सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में ज्ञान व्यापी सर्वे को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर ही बन गया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने इशारों में बाबरी मस्जिद को याद किया और साथ ही कहा कि एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। ये बुलडोज़र सिर्फ धर्म, जाति और हमारे मुसलमान भाइयों को डराने के लिए है, कार्यवाही बड़े लोगों के लिए नहीं। अखिलेश यादव ने साथ में ये भी कहा कि अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर जहाँ 5 साल की बच्ची से रेप होता है तो वहाँ बुलडोज़र नहीं चलाया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में महंगाई बढ़ी है और वह भाजपा ने बढ़ाई है। भाजपा ज्ञान व्यापी का मुद्दा जानबूझकर उठा रही है। अभी तक एक योजना चल रही थी कि वन नेशन वन राशन, लेकिन अब योजना चल रही है कि वन नेशन वन उद्योगपति। सभी का ध्यान ज्ञान व्यापी मस्जिद की ओर करके भाजपा उद्योगों को बेच रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के बहाने सरकार गेहूँ को विदेश में बेचकर कुछ लोगों को फायदा पहुँचा रही है। सभी ने निर्यात पर रोक लगाए जाने का समाचार पढ़ा और सुना होगा, लेकिन गेहूं विदेश भेजने को नहीं सुना होगा। देश के बंदरगाहों पर खड़े हजारों ट्रक में गेहूं रोक के बावजूद भी विदेश भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।